हमने जो है वो बॉस्फोरस क्रूज जो है वो ख़त्म कर लिया 200 लायरा मतलब 600 इंडियन रुपीज़ में। कुछ खास महंगा नहीं था, ठीक ठाक ही था। और जो इवनिंग में जो वीडियो आ रही थी, जो फ़ोटो आ रही थी, वो अल्टीमेट था, टॉप क्लास का था। और पूरा का पूरा जो बॉस्फोरस है वो भाई घूमने लायक है, वॉकिंग है, काफ़ी रंगीन रहता है, भीड़ भाड़ रहता है। और मार्केटिंग करना चाह रहे तो भाई उसके लिए तो नंबर वन है। तो मस्ट विजिट अगर आप इधर आ रहे हो तो क्रूज़ एक बार ज़रूर जाओ, एशिया यूरोप के बीच में घूमो। अब अगर पूरे इस्तांबुल की बात किया जाए कि बेस्ट प्लेस कौन सा है आपको घूमने के लिए, ख़ास टाइम अगर बात किया जाए इवनिंग के लिए, नाइट के लिए, तो सबसे पोस्ट जो एरिया है ना वो है आप बॉस्फोरस वाला एरिया। यहाँ पे आओ, बिल्कुल आपको एक लाइफ स्टाइल आपको मिलेगी। कारण जानते हो क्या है? यहाँ पे है आपका जो सबसे डेवलप्ड वाला पार्ट था ना इस्तांबुल का, जो ऑटोमन एम्पायर का वो वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ से जो है वो क्रूज़ और बाकी जो एक्टिविटी होती है वो होती है। तो एंशियंट टाइम में जब ऑटोमन एम्पायर था तो यहाँ पर जो है वो जो सुल्तान होते थे उनकी बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। तो स्ट्रीट और कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंगें होंगी, जो उनकी दीवारें होंगी, वो आपको जो है ऑटोमन एम्पायर की पूरी झलक दिखाएंगे। टक्सिम स्ट्रीट जो है, टक्सिम स्क्वायर जो है, इसकी रौनक आप इस बात से समझ सकते हो कि अभी बज रहे हैं 11:18 मतलब 11:15, और इंडिया की बात किया जाए तो अभी हो रहे हैं 2, रात में 2:15 के आसपास हो रहे हैं, 10 मिनट में 2:15 से 2 बज जाएगा। और भीड़ का लेवल आप देख सकते हो किस लेवल की यहाँ पे भीड़ और रौनक कैसी है। बिल्कुल स्ट्रीट जो है वो फुल ऑफ फॉरनर से, वो जो है वो हेलो ब्रदर फुल ऑफ फॉरनर से घिरा हुआ है। एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे क्या है ना कुछ लोग जो है वो छोटी मोटी हरकत करेंगे, जैसे आपसे टकरा जाएंगे या कुछ गिरा देंगे, और उसके बाद जो है आपसे सॉरी बोल के आपसे जो है वो थोड़ी सी फैमिलियर होंगे, और फिर उसके बाद आपको चीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आए तो बिल्कुल भाई फोकस रहो कि आपको घूमना है, एक्सप्लोर करना है, और चीट होने से बचना है। पहले से आपको आइडिया रहेगा तो आप चीट होने से बहुत आसानी से बच सकते हो। भाई स्ट्रीट ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही है, लगभग 500 मीटर में कंटिन्यूसली जो है चले आ रहे हैं, और दुकानें लगभग जो शॉप्स हैं वो बंद हो गई। अब जो नाइट लाइफ वाला जो माहौल होता है वो यहाँ पे अब दिखने लगा है। अगर पूरी रात आप पार्टी करना चाहते हो, पूरी रात आप घूमना चाहते हो, आपको मज़ा आता है स्ट्रीट पे घूमने में, स्ट्रीट का फूड टेस्ट करने में, डिफरेंट फूड आप टेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट कंट्री के लोगों से आप मिलना चाहते हैं, तो बेस्ट प्लेस है भाई आप टक्सिम स्क्वायर पे आओ। और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है टक्सिम स्क्वायर। यहाँ पे आप घूमो, यहाँ पे मौज मस्ती करो, कुछ मार्केटिंग करना हो, लैंटन की काफ़ी सारी आपको यहाँ पे शॉप मिल जाएगी। फेमस टर्की जो आइसक्रीम होती है ना, जो डिफरेंट एक्टिविटी करके वो आइसक्रीम खिलाते हैं, काफ़ी वायरल होती है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, खाने को मिल जाएगी। और टक्सिम स्क्वायर के बाद जब आप आगे बढ़ते हो और इस्तिकलाल स्ट्रीट पर एंट्री करते हो तो हीवन है भाई, वो हीवन है, क्योंकि वहाँ पे पूरा का पूरा जो स्ट्रीट है, रोड है, बीच में तो उसमें ट्राम ट्रेन की लाइनें हैं, उस पर हमेशा ट्राम ट्रेन चलती रहती है। उसके बाद जो है इतनी भीड़ होती है कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। वो भीड़ जो है वो ऐसा मतलब केवल डिस्टर्ब करने वाली भीड़ आपको नहीं लगती, उस भीड़ में आपको मज़ा आता है, क्योंकि जितने भी भीड़ के पर्सन होते हैं वो सब टूरिस्ट होते हैं, सब घूमने आते हैं, और सब आप देखते ही बनते हैं, आप ये आके जो है वो चकाचौंध रहती हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो आउटलेट हैं, शॉप्स हैं, ये पूरी रात खुले रहते हैं। मैं तो 3-4 बजे तक इधर घूमा इस स्ट्रीट पे, और रौनक जो है जैसे मान लीजिए कि 11-12 बजे रात तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके बाद मतलब भीड़ रहती है रोड पे, आपको मतलब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन फुल नाइट भाई ये
स्ट्रीट चलती रहती है। तो अगर आपको नाइट लाइफ, नाइट की एक्टिविटी, रात में जगना पसंद है तो ऐसे में इस स्ट्रीट पे आओ, जितना मन करे उतना शॉपिंग करो, जितना मन करे उतना घूमो। और ये टक्सिम स्क्वायर से ये इस्तिकलाली स्ट्रीट शुरू होती है और ख़त्म कहाँ होती जानते हो? गलाटा कुलेसी, गलाटा टावर तक। तो हमने सोचा भाई देखते हैं कितना दूर है गलाटा टावर। भाई गूगल किया था तो कुछ आइडिया तो लग ही गया था, फिर भी मैंने पैदल जो गलाटा टावर के लिए निकल दिया। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नाइट लाइफ इन इस्तांबुल तो भाई गजब का है, क्या माहौल है। और मतलब लोगों में ऐसा नहीं है, मतलब लोगों को पता नहीं कि इस्तांबुल में भी काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे वैसी एक्टिविटी है, नाइट लाइफ बहुत अच्छी नहीं होगी, पर भर भर के है। और हम लोग लगभग 1.5 किलोमीटर चल चुके स्ट्रीट पे और भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लग रही, भीड़ कंटिन्यूसली बनी हुई है। और जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेन की पटरियाँ जो है वो रास्ते पे जो है वो दिख जा रही है। अब कितना चलना है भाई, 10-15 मिनट जो है वो हम लोग वॉक करेंगे और 10-15 मिनट के बाद रिटर्न बैक, क्योंकि वापस भी आना है। हम लोग जो टक्सिम स्क्वायर आए हैं वही लगभग जो है वो 1.3 किलोमीटर था, उसके बाद भी 1 किलोमीटर हम लोग इधर आ गए। अभी गलाटा टावर ढूंढते ढूंढते कितना डिस्टेंस आ गए आपको पता भी नहीं है यार। देखो कितना बज गया, 11:37, और जो वॉच में स्टेप हो रहा है वो देख लो, 5,977, मतलब 6,000 स्टेप जो है वो हो गया, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर जो है। हम लोग इंडियन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 12 बजे के ऊपर हो गया, तो इंडियन टाइम के हिसाब से ऑलमोस्ट हम लोग जो है वो 4 किलोमीटर जो है अगले दिन में हम लोग चल चुके हैं। तो कल का दिन बहुत भारी होने वाला है, 20,000 स्टेप तो बहुत आराम से कल जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और मुझे लगा कि भाई टक्सिम स्क्वायर से लेके यहाँ तक गलाटा टावर तक काफ़ी भीड़ भाड़ होगी, लेकिन आगे ही आके मतलब 400-500 मीटर पहले ही भीड़ जो है वो ख़त्म हो जा रही है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ वे टू गलाटा टावर। इधर से 90 मीटर दिखा रहा है दिस वन। और यहाँ पे भाई कैट मतलब भर भर के मिलेंगे। हम लोग तो जो कॉन्फ्रेंस सेंटर पे गए थे वहाँ टेबल पे कैट बैठी थी, और हर जगह आपको शॉप में जाएंगे, स्टोर में जाएंगे तो आपको कैट भर भर के देखने को मिल जाएगी, और बहुत अच्छे से संभाल के उनको रखते हैं। अगर इस्तांबुल में थोड़ी यूनिक चीज़ों की बात करें, जैसे देखो इधर एक कैट टहलती हुई मिल जा रही है, ऐसे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। यूनिक चीज़ों की बात करें तो भर भर के यूनिक चीज़ें, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ एक दो चिक्का कदूका चीज़ें आपको यूनिक मिलेंगी, भर भर के चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिक मिलेंगी, काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। जैसे इधर का नाइट लाइफ, इधर की जो मोनूमेंट है, इधर का कल्चर है, इधर के लोग, इधर का लैंग्वेज और स्ट्रीट जो कंस्ट्रक्शन है वो, और जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट की पोजीशन है, लेन जो हम लोग के तरफ अपोजिट है, ऐसे मतलब सब कुछ आपको डिफरेंट लेवल का मिलेगा। और फाइनली वी रीच्ड एट गलाटा टावर। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी भाई रात में आने के लिए, और हम लोग 11:30 बजे रात में हिस्टोरिकल गलाटा टावर के पास आ गए। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, काफ़ी मेहनत करना पड़ा गलाटा टावर घूमने के लिए। कल मैं जब टक्सिम स्क्वायर पे आया था तभी मैंने सोचा था भाई गलाटा टावर घूमने जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाया। आज रात में इसको कंप्लीट कर लिया, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हाइट से दिख रहा है, और रात में तो काफ़ी कलरफुल वॉ वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। पीछे है हिस्टोरिकल गलाटा टावर, काफ़ी
ऊंचा टावर है और रात में इस्तांबुल के टाइप में अगर देखा जाए तो रात के 12 बजे मैं गलाता टावर विजिट कर रहा हूँ। इंडिया के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो रात के 2:30 बजे मैं विजिट कर रहा हूँ और काफ़ी फेमस मॉन्यूमेंट है एक्चुअली। जब आप टक्सिम स्क्वायर पर आएंगे तो फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ेगा, तब आप इस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट गलाटा टावर के पास पहुँचेंगे। लेकिन ये जो डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस आपको पता बिल्कुल नहीं चलता है क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतनी रौनक होती है यहाँ पे कि आपका टाइम कैसे बीत जाता है, कैसे आप पैदल इस यहाँ पे आ जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। भर भर के कलरफुल दुकानें, लोग, पूरी की पूरी जो है ज़बरदस्त वाली जो रौनक रहती है उसकी वजह से जो है आपको पता नहीं चलता कि कैसे पूरा का पूरा जो टाइम है वो निकल गया। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात किया जाए तो मॉर्निंग में हम लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद डोला माचे पैलेस गया, वहाँ पे काफ़ी लंबी भीड़ थी तो इसकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाए और फिर जो है होटल आ गए, थोड़ा सा रेस्ट किया गया और रेस्ट करने के बाद जो है हम लोग का फिर प्लान बना कि भाई चलो बॉस्फोरस जो क्रूज़ है वहाँ पे चलते। और अल्टीमेट था यार, क्या ब्यूटी थी जो समुद्रों के बीच से, जो समुद्र के बीच से, ब्लैक सी के बीच से जो क्रूज़ जब निकलती है तो भाई दिल खुश हो जाता है। और वहाँ पे जो फोटो आता है, जो वीडियो आता है वो नेक्स्ट लेवल, टॉप ऑफ द वर्ल्ड का आता है। और बॉस्फोरस क्रूज़ घूमने के बाद हम लोग रिटर्न आए, फिर इंडियन फूड जो है हम लोग ने टेस्ट किया। प्रॉब्लम यहाँ पे इंडियन फूड को लेकर क्या है भाई, आप टर्की आओ तो मुझे लगता है टर्किश डिश ही ट्राई करो, आप इंडियन फूड के पीछे ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि इंडियन फूड के नाम यहाँ पे हिंदू लोग तो भाई ना के बराबर, इंडियन फूड के नाम जो मुस्लिम की जो वो शॉप है वो है, लेकिन जो मतलब आप जो प्योर जो आप पनीर कढ़ाही ये सब आप जो ढूंढते हो ना, ये सब चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेंगी। चिकन वकन के आइटम तो भर भर के मिलेंगे लेकिन फिर भी आप वो उस लेवल का सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, मतलब क्वालिटी जो आप ढूंढते हो ना वो नहीं मिल पाएगा। खैर हम लोग दिल्ली दरबार करके था तो लगा कि भाई जो इंडिया में दिल्ली दरबार है कुछ उसी लेवल का होगा, लेकिन वैसा नहीं था। उसको ट्राई किया गया और बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा और फिर होटल गए, लेकिन मुझे पूरा इनकम्प्लीट सा फील हो रहा था कि मुझे लगा कि भाई गलाटा टावर भी एक बार देख लेना चाहिए, तो इसकी वजह से मैं फिर पैदल वापस आया और ऑलमोस्ट जो है 6000 स्टेप चल के, ऑलमोस्ट मोर देन 6000 स्टेप चल के मैं रात में 12 बजे इंडिया के टाइम से 2:30 बजे मैं गलाटा टावर पे घूम रहा हूँ। चलते हैं आगे फिर से इसी स्ट्रीट से होते हुए और रौनक देखते हुए, भाई क्या नज़ारा है। कुछ फ़ोटो वोटो ले लेते हैं फिर आगे निकलते हैं। और यहाँ पे ये चेस्टनट और जो भुट्टा है भर भर के आपको मिल जाएगा इधर।